नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग व रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सभी पूर्व सैनिकों के लिए आज का बड़ा खुलासा। सभी पूर्व सैनिक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी से छोटा सा व्यक्तिगत निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँच सके और इसके बारे में सरकार कोई एक्शन ज़रूर लें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ECHS की। आजकल ECHS पॉलीक्लिनिक की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि कोई भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ये हाल तो देश की राजधानी दिल्ली का है दोस्तों। ये लगातार 5-6 महीनों से चल रहा है। लोग दूर दूर से आते हैं। अगर 10 दवाइयाँ हैं तो सिर्फ 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ ही मिलती हैं और पूर्व सैनिकों को बेस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी अगर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो फिर कहते हैं कि बाजार से ले लो 20% डिस्काउंट पर। और दोस्तों, इन दवाइयों का क्लेम करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होने की वजह से हमारे पूर्व सैनिक इनका क्लेम नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया को हर कोई इसे पूरा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में पूर्व सैनिकों को पूछने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग सैनिकों का कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात मैं देश की राजधानी दिल्ली की कर रहा हूँ। अन्य राज्यों व जिलों का क्या हाल है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का, अपने जिले का जरूर बताएं। दोस्तों, इसकी जवाबदेही किसकी है, जबकि हमारी एक मुश्त रकम एक साथ सेवानिवृत्ति के समय हमारे भविष्य निधि से काट ली जाती है। अरबों रुपए ECHS में जमा है। पूर्व सैनिकों के संबंधित अधिकारी मौन बैठे हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको पर्ची बताने जा रहा हूँ वो इसी महीने की है। तो इस पर्ची में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोल का निशान लगा रखा है, वो दवाइयाँ ECHS के पॉलीक्लिनिक पर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो संबंधित अधिकारी तक पहुँच सके या सरकार तक पहुँच सके, जिससे वो इस पर कोई एक्शन ज़रूर लें। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।